गुड मॉर्निंग क्लास, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिक्स स्टैंडर्ड का नीट बायोलॉजी फाउंडेशन कोर्स। आज का हमारा टॉपिक है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, आपका ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो उसका मतलब क्या है फूड? तो आपको सबको पता है कि फूड किसको बोलते हैं, तो जो हम खुराक लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम मतलब हमारे द्वारा जो खुराक ली जाती है वो कहाँ से आती है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात कि हमें फूड की ज़रूरत क्या है, खुराक की ज़रूरत क्यों है, तो देखते किस लिए खुराक की ज़रूरत रहती है। पहला है डेली लिविंग एक्टिविटी करने के लिए। किस लिए? डेली लिविंग एक्टिविटी करने के लिए। हर बंदे की डेली लिविंग एक्टिविटी अलग अलग होगी। स्टूडेंट होते हैं उसकी डेली लिविंग एक्टिविटी अलग रहती है, हम टीचर लोगों की डेली लिविंग एक्टिविटी अलग रहती है, आपके पापा या तो स्पोर्ट्स पर्सन है या पुलिस में है या डॉक्टर है, तो उसके हिसाब से उसकी भी डेली लिविंग एक्टिविटी में क्या होता है, बदलाव होता है। कुछ कुछ बातें क्या होती है, अलग अलग होती है व्यक्ति दर व्यक्ति, कहीं सारी बातें हर किसी में समान होती है, तो इसलिए। दूसरा किस लिए खुराक की ज़रूरत रहती है, फूड की ज़रूरत रहती है? तो डेवलपमेंट, फॉर ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। किस लिए? जो हमारा शरीर होता है उसका वृद्धि और विकास के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी बात है कि खुराक हमें क्यों चाहिए, तो जो बीमारियां है उसका सामना करने के लिए। अच्छा खुराक खाएंगे बीमारी हमसे दूर रहेगी, हेल्दी खुराक खाएंगे बीमारी दूर रहेगी, अनहाइजेनिक जो हेल्दी नहीं है वैसा खुराक खाएंगे तो हो सकता है कि उससे हमारे शरीर में और ज़्यादा बीमारी आए, तो इसलिए भी अच्छे खुराक की ज़रूरत रहती है। और चौथा है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, क्या कोशिका है, ये कोशिकाओं का क्या होता है कि कभी वो बूढ़ी हो जाती है या कभी वो क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है, इजाग्रस्त हो जाती है, तो ऐसी जो कोशिकाएं हैं उसको क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए भी कौन मदद करता है, फूड मदद करता है। तो जो हमने इमेजेस में देखा वही ये स्लाइड में बताना चाहते हैं, तो एक बार देखते हैं क्या होता है इस साइड का मतलब, स्लाइड का। नीड ऑफ एनर्जी टू सस्टेन लाइफ मतलब ऊर्जा की जरूरत है, किस लिए, हमारा जो जीवन है उसको अच्छे से चलाने के लिए। वो कहां से आती है ऊर्जा, तो ये ऊर्जा आती है खुराक से आती है। किस चीज से आती है, खुराक से आती है। फूड रिक्वायर फॉर द फॉलोइंग पर्पस मतलब कौन से पर्पस के लिए हमें किस चीज की जरूरत है फूड की, तो पहला है प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एडीएल। मैंने क्या बोला था आपको कि बच्चों की डेली लिविंग एक्टिविटी अलग है, बड़े लोगों की डेली लिविंग एक्टिविटी अलग है, स्पोर्ट्स पर्सन की अलग होगी, डॉक्टर लोगों की अलग होगी, तो ये जो वेरियस डेली लिविंग एक्टिविटी है ये करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो ये ऊर्जा कौन पूरी पाड़ता है, खुराक। दूसरा है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी। हम छोटे बच्चे होते हैं फिर कैसे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं कुछ सालों के बाद, तो ये क्या हुआ, हमारा बॉडी का ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुई, और डेवलपमेंट मतलब विकास हुआ, तो ये दोनों चीज़ के लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फूड की ज़रूरत पड़ेगी। टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीज, ये तो आपको अभी के सिनेरियो के हिसाब से भी पता चल जाएगा कि घर में कई सारे लोगों को कोरोना हुआ, तो वहाँ पर जब हम अस्पताल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि खाना अच्छे से खाइए, विटामिन सी जिस फूड में ज़्यादा हो वो आप खा सकते हो, ऐसी कई डिसीज दर डिसीज क्या मिलती है हमें, खाने के बारे में क्या मिलती है, सलाह मिलती है, तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, डिसीज से, बीमारी से। एंड चौथा रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल ऑफ आवर बॉडी,
मतलब जो कोशिकाएं है वो क्या हो गई, बूढ़ी हो गई, या तो क्या हुआ उसकी उम्र हो गई, वृद्ध हो गई, तो ये दोनों परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, कोशिका को रिप्लेस करना पड़ता है। और ये प्रक्रिया में भी कौन मदद करता है, फूड मदद करता है। फूड की डेफिनेशन, एनी सब्सटेंस दैट एनी ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा कोई भी घटक, ऐसे कोई भी घटक जो किसी व्यक्ति द्वारा या तो खाए जाए या तो क्या करे जाए, पिए जाए, मतलब हम या तो उस चीज को खाएंगे या तो पिएंगे। किस लिए खाएंगे या पिएंगे? टू ग्रो एंड मेंटेन अवर बॉडी, टू ग्रो एंड मेंटेन अवर बॉडी और हिज बॉडीज। क्लियर? तो फूड की डेफिनेशन क्या हुई, ऐसा कोई भी घटक जो किसी व्यक्ति द्वारा लिया जाए। पर्पस क्या रहेगा, रीजन क्या रहेगा वो चीज खाने का या पीने का? तो बॉडी का वृद्धि के लिए और विकास के लिए चाहिए। क्लियर? अब सजीव लोग ही खाना खाएंगे तो आप समझोगे कि वनस्पतियां कैसे खाना खाती है। तो वनस्पतियों को हमारी तरह मुंह नहीं होता है वनस्पति का, फिर भी वो लोग अपना खुराक लेती है। और याद रखना, वो अपना खुराक खुद बनाएगी। किस क्रिया द्वारा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो अपना खुराक खुद बनाती है वनस्पति। तो उसका रॉ मटेरियल, कच्चा द्रव्य क्या है खुराक बनाने के लिए? तो जो वनस्पति होती है वो किस चीज का उपयोग करती है अपना खुराक खुद बनाने के लिए? तो वो उपयोग करती है जमीन का, सॉइल, जमीन का उपयोग करती है। फिर किस चीज का उपयोग करती है? पानी का उपयोग करती है। फिर किस चीज का? जो मिनरल क्षार होते हैं जो हम खाद के स्वरूप में देते हैं। और चौथा किस चीज का उपयोग करेगी? सूर्य प्रकाश। और ये चारों चीज की मदद से प्लांट्स अपना खुराक क्या करती है, खुद बनाती है। एनिमल, एनिमल परपोषी, परजीवी रहते हैं, मतलब वो या तो वनस्पति या उसके पार्ट्स का उपयोग करेंगे खाने के लिए, या तो फिर जो नॉन वेजिटेरियन है वो किस चीज का उपयोग करते हैं? एनिमल और इट्स पार्ट्स। क्लियर? मतलब देखते हैं कैसे कि एनिमल क्या करते हैं। तो कई सारे एनिमल, मतलब इसमें इंसान भी आ गए, तो वो क्या करते हैं, वो वनस्पति के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का उपयोग करेंगे। फल खाएंगे, फिर क्या खाएंगे, जो कभी कभार लीफी वेजिटेबल होती है उसका भी उपयोग करते हैं, कोई कोई वनस्पति का स्टेम का उपयोग करते हैं। तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स का उपयोग करते हैं इंसान और अन्य प्राणी, या कई सारे इंसान जो नॉन वेजिटेरियन है वो क्या करते हैं, तो वो उपयोग करते हैं एनिमल और इट्स पार्ट्स। मतलब या तो सीधा सीधा जो प्राणी है उसको खा जाएंगे या उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं। क्लियर? तो ये है फूड के बारे में। अब वैरायटीज ऑफ फूड। तो वैरायटीज ऑफ फूड मतलब क्या है? तो विविधताएं, खुराक में दिखने वाली विविधता। तो इंडिया की हम बात करते हैं, आप इंडिया नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे घूमना तो आपको पता चलेगा कि जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे, नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो आप जितना घूमोगे उतना हर स्टेट में जाओगे तो आपको क्या दिखने को मिलती है, विविधताएं देखने को मिलती है। कैसे? तो कई स्टेट है, राज्य है जहां क्या दिखने को मिलती है, ज्यादा पहाड़ियां दिखने को मिलती है। और कई स्टेट में आप जाओगे तो फ्लैट सरफेस है, कहीं पे दरिया ज्यादा है, कहीं पे क्या है, झील ज्यादा है, मतलब नदियां ज्यादा है। तो हमारे एरिया में, हमारे इंडिया में आपको क्या मिलती है, वैरायटी देखने को मिलती है। पहाड़ी भी है, फिर दरियाई भी है, झील भी ज्यादा है, फ्लैट सरफेस भी है, रेगिस्तान भी है, ठंडे प्रदेश भी है। तो ये सारे एरिया के हिसाब से, ये सारे एरिया के हिसाब से या विस्तार के हिसाब से आप जितने भी स्टेट घूमोगे उस सारे स्टेट में आपको खाने को क्या मिलेगी, वैरायटी दिखने को मिलेगी। जो दरिया के पास रहते हैं
वो क्या खाते हैं? दरियाई जीव का उपयोग करते हैं। किस चीज का उपयोग करते हैं? दरियाई जीव का उपयोग करते हैं। जहां पर ठंडी ज्यादा है वहां के लोग ज्यादातर क्या है? नॉन वेजिटेरियन है। क्लियर? गुजरात में आप देखोगे तो गुजरात में मोस्टली मीठा खाने वाले लोग ज्यादा है। क्लियर? कहीं रीजन में जाओगे तो वो लोग तीखा खाते हैं, कहीं पर आप जाओगे ज्यादा ऑयली खाते हैं, उसके सामने कहीं और स्टेट में जाओगे तो वहां कैसा खाता है? लेस ऑयली खाते हैं। तो ये क्या देखने को मिलती है? विविधताएं। आपने स्टेट चेंज करा, आपको क्या देखने को मिलेगी? खुराक में वैरायटी देखने को मिलेगी। मैं आपको ऐसा नहीं बोलता कि स्टेट चेंज करने पर भी होगा। यदि आप गुजरात के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में घूमोगे तो आपको वहां पर भी वैरायटी देखने को मिलेगी। कई लोग होते हैं वो गेहूं की रोटी खाते हैं, कई लोग खाते हैं किस चीज की? बाजरे की रोटी खाते हैं, बाजरे का जो हम रोटला बनाते हैं वो खाते हैं। क्लियर? तो कोई जगह पर जाओगे मक्के की रोटी खाएंगे, कोई जगह पर जौ की या बेली की क्या करते हैं? रोटी खाते हैं। तो ऐसी आपको क्या देखने को मिलती है? विविधताएं। तो यहां पर हम देखेंगे चार अलग अलग डिश देखेंगे। तो पहली है गोवा की, गोवान डिश और साउथ इंडियन डिश, सॉरी गोवा की डिश है, नॉर्थ ईस्ट साइड की डिश है। उसमें ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा? सी फूड देखने को मिलेगा। किस चीज देखने को मिलेगा? सी फूड। दरियाई जीव का उपयोग करते हैं। गोवा पर आप कभी घूमने जाओगे तो आपको रेस्टोरेंट में मोस्टली क्या देखने को मिलेगा? सी फूड। कहाँ? क्योंकि रीजन क्या है? वहां पर दरियाई विस्तार ज्यादा है। ऐसा नहीं है खाली गोवा में, आप कोई भी राज्य जाओ जहां पर दरिया पास होता है या दरिया रहता है, वहां के लोग ज्यादातर किस चीज का उपयोग करते हैं खुराक के लिए? दरियाई जीव का। किस चीज का? दरियाई जीव का। दूसरा है पंजाबी डिश। अब आप पंजाबी खाना खाओगे, नो डाउट, आप गुजरात में तो हम पंजाबी डिश खाते ही है, पर यदि आप पंजाब गए तो पंजाब की जो पंजाबी डिश है और गुजरात की जो पंजाबी डिश है उसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है। जो वहां की पंजाबी डिश रहती है वो किस से ऑयल में? सरसों के तेल में बनती है। किस में? सरसों के तेल में बनती है, और उसमें ज्यादातर घी या बटर का उपयोग होता है। तो पंजाबी जो खाना होता है वो कैसा होता है? ज्यादा ऑयली होता है। कैसा होता है? ज्यादा ऑयली होता है। तीसरा है गुजराती डिश। बहुत सारी आइटम दिख जाएगी आपको, और गुजराती डिश में रोटी हो गई, सब्जी हो गई, खमन ढोकला, ये मतलब फरसाण बोलते हैं, मिठाई बोलते हैं, एक स्वीट होती है, स्वीट भी दो तरह की हम खाते हैं, एक हार्ड और एक सॉफ्ट लिक्विड के स्वरूप में हम खाते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी गुजराती डिश। गुजराती डिश में आपको क्या दिखता है कि वहाँ ये डिश में थोड़ा मीठापन रहता है, तो ये भी एक वैरायटी है। और चौथा है साउथ इंडियन डिश। साउथ इंडियन डिश में आप जाओगे तो साउथ इंडियन डिश में आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पर आपको राइस ज्यादा देखने को मिलेगा, तीन या चार तरह के आपको राइस मिलेंगे। कभी घूमने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा तीन या चार राइस रहते हैं। फिर वहां दाल नहीं रहती है, क्या होता है? रसम का उपयोग करते हैं। चटनी मिल जाएगी आपको, और ब्रेकफास्ट में भी आप देखोगे तो ब्रेकफास्ट में वो लोग ज्यादातर इडली वड़ा सांभर बोंडा उसका उपयोग करते हैं। तो ये क्या है? वैरायटीज ऑफ फूड। अब वैरायटीज ऑफ फूड मैंने आपको स्लाइड में बता दिया इमेज के स्वरूप में, अभी हम इसको मटेरियल के तौर पे देखते हैं कि डिफरेंट फूड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ द डे। मतलब आप सिंपल ही समझो, आप गुजरात में रहते हो, सुबह में आप भाखरी खाई, चाय पी, खत्म। दोपहर में दोपहर का खाना भी अलग, फिर हमें नाश्ता करना है शाम को 4 बजे 5 बजे, तो हमने वो भी अलग खाया, और रात का खाना भी अलग है। कई बार क्या होता है, कई घरों में रात को दाल चावल बनते हैं, कई घरों में दिन को दाल चावल बनते हैं। तो ये क्या है? वैरायटी है। तो व्यक्ति दर व्यक्ति फूड की वैरायटी चेंज होगी। क्लियर? सिंपली ब्रेकफास्ट के लिए अलग, लंच के लिए अलग, एंड डिनर के लिए खाना अलग। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर डिफरेंट पीपल। Different kind of food for different people। मैंने क्या बोला था, साउथ के जो पीपल्स है व्यक्ति है उसके लिए खाना अलग है, नॉर्थ के लिए अलग है, वेस्ट के लिए अलग है, ईस्ट के लिए अलग है। क्लियर? Our country
इज अ फुल ऑफ वैरायटी। सिंपली मैंने बोला पहाड़ भी है, दरियाई भी है, ठंडे प्रदेश भी है, रेगिस्तान भी है, तो ये क्या है? वैरायटी है। तो वैरायटी, जितनी वैरायटी है उतनी क्या आपको मिलेगी? वैरायटीज इन फूड में मिलेगी। बट कहीं पर भी जाओ तो आपको खुराक में, फूड में कुछ कुछ चीजें कैसी मिलती है? कॉमन मिलती है। वो आप कहीं पर भी घूमो, जैसे तो सीरल्स, गेहूं, क्लियर, फिर क्या आता है, जव आता है, बाजरा आता है, तो सीरल्स, पल्सिस, कठोल बोलते हैं, चने और वो सब, वेजिटेबल वो भी देखने को मिलेगा, फ्रूट्स भी देखने को मिलेगा, किसमें? फूड में। एंड डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट में क्या आता है? मिल्क आता है, चीज आता है, बटर आता है, वो सब। इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, सिंपली इसमें तो बहुत मजा आएगा आपको समझने में कि हम कोई एक खुराक बनाने के लिए किस चीज की हमें जरूरत पड़ती है। कोई भी खुराक ले लो आप, पानी पूरी बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको दाल चावल बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप समझो पराठा बनाना है तो परांठे के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल देखते हैं, पिज्जा बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। इंग्रेडिएंट मतलब घटक की रेसिपी हम बोलते हैं। आप देखोगे कि पिज्जा की रेसिपी, या आपने देखा कि हलवे की रेसिपी, तो हलवे की रेसिपी देखोगे तो आपको लिखा आएगा कि भाई सूजी इतना चाहिए, दूध इतना चाहिए, शक्कर इतना चाहिए। तो ये सारे क्या है? इंग्रेडिएंट है। इस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, किस चीज के लिए? वो पर्टिकुलर खुराक बनाने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि पिज्जा बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो सिंपली पता है, तो पिज्जा के लिए पहले तो हमें बेज, जो पिज्जा का जो रोटला बोलते हैं, बेज बोलते हैं, उस चीज के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? फ्लोर की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है? फ्लोर, मैदे की जरूरत पड़ती है। फिर मैदे का, मैदे में क्या हम मिलाएंगे? पानी मिलाएंगे, शक्कर मिलाएंगे, और ईस्ट की भी जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है? ईस्ट की। ईस्ट और सॉल्ट है वो मैंने आकृति में नहीं रखे हैं, पर आप समझ लेना। और अब पिज्जा में भी वैरायटी है, वेज पिज्जा, नॉन वेज पिज्जा, तो वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि उसको कैसा खाना है। मैंने यहां बताया वेज पिज्जा बनाने की रेसिपी। आप सब, मुझे पता है, डोमिनोज, लापिनोज या कई सारी पिज्जा की शॉप में गए होगे खाने के लिए, तो आपको सबको पता ही है, और घर में भी पिज्जा बनते हैं। तो चलो, तो आप खाली एक याद करो कि पिज्जा में क्या होता है। तो सबको पता है कि टमाटर रहते हैं, कैप्सिकम, ऑनियन पिज्जा, यदि टोमेटो पिज्जा है तो टोमेटो दिखने को मिलेगा। हाँ, किसी को ओनली फॉर ऑनियन पिज्जा खाना है तो उसके लिए ऑनियन ही होगा, क्लियर। फिर पिज्जा में स्प्रेड करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पिज्जा सॉस, तो ये है पिज्जा सॉस, क्लियर। थोड़ा बटर चाहिए, और किस चीज की जरूरत पड़ेगी? चीज की। यदि कोई चीज लवर है तो उसके लिए क्या होता है? चीज अलग से स्प्रेड करवाते हैं, तो चीज की भी जरूरत पड़ती है। चलो, ये तो हुआ वेज पिज्जा, उसके ऊपर दूसरा पिज्जा रहता है नॉन वेज पिज्जा। तो ये सारी चीज में से टोमेटो है, फिर कैप्सिकम है, ऑनियन है, मे भी निकल भी जाए, निकाल देना है तो हम दूर कर देंगे, क्लियर। पर ये जो सारी चीजें है वो कॉमन रहेगी, और इस चीज की जगह पर क्या आ जाएगा? नॉन वेज आ जाएगा, क्लियर। क्या आ जाएगा? मटन और चिकन आ जाएगा। तो ऐसे क्या बनता है? पिज्जा बनते हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आप ऐसी कोई भी तीन रेसिपी या तीन जो खुराक है जो आपको फेवरेट है उसके नाम लिख लो, और वो बनाने के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट की जरूरत है वो आपको क्या लिखना है? साइड में नोट करना जाना है। जैसे किसी को क्या पसंद है? पुलाव पसंद है, बिरयानी पसंद है, तो आप क्या लिखोगे? बिरयानी। और बिरयानी के नीचे आप क्या लिखोगे? इंग्रेडिएंट। बिरयानी बनाने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत रहती है तो वो लिख सकते हैं। दूसरा है, कोई स्वीट ले लो, कोई भी स्वीट, दूध का हलवा है या फिर लौकी का हलवा या कोई भी हलवा है, तो वो लिखो, और इसके नीचे कौन कौन से इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है वो लिख सकते हो। और तीसरा है, कोई भी फरसान ले लो, समोसा है, तो समोसा बनाने के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है वो आपको क्या करना है? लिखना है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। किसी की समोसा होती है, किसी की
पेटिस होती है या कोई भी होती है, तो उसके हिसाब से आपको क्या लिख देना है, इंग्रेडिएंट लिख देना है। सोर्स ऑफ फूड मतलब जो हम खुराक लेते हैं उसका स्रोत किधर है, वो कहां से आते हैं। तो मेनली दो चीज रहती है, प्लांट्स और एनिमल। या तो जो हम फूड है वो प्लांट से लेंगे या फिर कहां से लेंगे, एनिमल से लेंगे। तो प्लांट से हम किस किस चीज का उपयोग करते हैं फूड के लिए, तो ये सारी लिस्ट है। उसमें क्या क्या आता है, सीरल्स। सीरल्स मतलब क्या होता है, सीरल्स में क्या क्या, धान बोलते हैं, धान, गेहूं हो गया आपका, बाजरा हो गया, जव हो गया, क्लियर। तो ये सारा किस में आता है, सीरल्स में। फिर होता है पल्सिस। पल्सिस यानी कठोल। पल्सिस में क्या आता है, चने हो गए, मूंग हो गए, उड़द हो गए, ये सारे क्या है, पल्सिस, जो दाल बोलते हैं, कठोल बोलते हैं वो, तो उसका भी हम खुराक के रूप में उपयोग करते हैं। तीसरा हो गया वेजिटेबल, कोई भी वेजिटेबल ले लो, लौकी है, भिंडी है, टिंडे है, तो ये सारी वेजिटेबल। फ्रूट्स, सफरजन, चीकू, केले। दूसरा शुगर, शुगर किससे मिलता है, शुगर केन, शेरडी जो बोलते हैं, हमारी गुजराती भाषा में बोलते हैं शेरडी। तो शेरडी का जो रस होता है उसको गर्म करते हम क्या बनाते हैं, शुगर भी बनाते हैं, मतलब खांड भी बनाते हैं, और क्या बना है, गुड़ भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गुड़। तो वो भी प्लांट से ही मिलती है, याद रखना। तीसरा उसके बाद है ऑयल। ऑयल कहां से मिलता है, तो कई सारे तेलीबिया है, मतलब सीड्स है, ऑयल सीड, वो क्या देते हैं हमें, ऑयल में ऑयल देते हैं, ऑयल सीड बोलते हैं। तेलीबिया ऐसी वनस्पति के बीज है वो, उसमें किसका समावेश होता है, तो जैसे हो गया एरंडा, मूंगफली, कॉटन सीड, मतलब जो कपास का, जो कपासिया बोलते हैं, कपास के जो रुई होते हैं, रुई के अंदर जो बीज आता है उसको बोलते हैं कपासिया, तो उसको भी कंप्रेस करके क्या निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं। फिर बेवरेजेस, बेवरेजेस में किस चीज़ का उपयोग होता है, चाय और कॉफ़ी का। तो चाय की जो पत्ती होती है और कॉफ़ी के जो बीज होते हैं वो भी हम कहाँ से उठाते हैं, मिला लेते हैं, तो प्लांट से लेते हैं। तो ये सारे हो गए प्लांट प्रोडक्ट, और दूसरा है एनिमल। सबको पता है एनिमल हमें कैसे मदद करते हैं खुराक में, तो सबसे पहले एनिमल हमें देगा दूध। सारे एनिमल का दूध नहीं खाना है, जो कैसे शाकाहारी एनिमल है, शाकाहारी प्राणी है, जैसे गाय हो गया, क्लियर, बकरी, ऊंट, उसका हम क्या करते हैं, दूध लेते हैं, और ये दूध का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। फिर दूध में से जो भी प्रोडक्ट बनती है, आपको जितने नाम याद आए वो, तो वो मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट में क्या, दूध में से हमने दही बनाया, छाछ बनाई, पनीर बनाया, बटर बनाया, चीज़ बनाया, तो ये क्या है, मिल्क प्रोडक्ट। फिर आता है एग। एग जो प्राणी, मुर्गा, वो क्या देते हैं, मुर्गी क्या देती है, अंडा देती है, तो ये अंडे का हम क्या करता है, खुराक के रूप में उपयोग करते हैं। पोल्ट्री फार्म में भी आपको, पोल्ट्री फार्म से भी आपको एग मिल जाएंगे, तो ये एग का भी हम उपयोग करते हैं। और अब आते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, तो नॉन वेजिटेरियन लोग चिकन का यूज़ करते हैं, मतलब मुर्गी को काट के या काट के खाते हैं। दूसरा है मटन, और तीसरा है बीफ। तो ये क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। तो ऊपर डेफिनेशन लिखी है सोर्स ऑफ फूड, मतलब फूड कहाँ से मिलता है, तो या तो जो वेजिटेरियन है वो सारे प्लांट्स का उपयोग करेंगे, और मिल्क प्रोडक्ट, कोई वेजिटेरियन होते हैं वो एग का यूज़ करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन वेजिटेरियन, उसको तो वेजिटेबल भी खाते हैं और नॉन वेजिटेबल कभी कभार भी खा लेते हैं। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ फूड। क्लियर। तो ये देखिए सोर्स ऑफ फूड में है, मैं आपको एक दो स्लाइड में बताता हूँ। पहला है सीरल्स, क्लियर, ये सारे धान हैं। दूसरा है पल्सिस, मैंने बोला कठोल, कठोल के अंदर क्या है, चने हैं, राजमा है, मूंग है, उड़द है, ये सब है। तीसरा है फ्रूट्स, तो ये भी कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट से मिलता है। उसके बाद क्या है, ये सारे मसाले हैं, गरम मसाले। गरम मसाले भी याद रखो, गरम मसाले भी हमें कहाँ से, गरम मसाले में कौन कौन से आते हैं, जो घर के जो मसाले का डब्बा रहता है उसमें गरम मसाले होते हैं, जैसे धनिया पाउडर है, फिर क्या है,
नमक रहता है, फिर क्या होता है काला नमक रहता है, जीरा रहता है, गरम मसाला रहता है, क्लियर। तो ये सारे क्या है, मिर्च पाउडर, वो सब गरम मसाले, तो ये भी हम कहाँ से लेते हैं, वनस्पति से लेते हैं। फिर हो गया शुगर एंड मतलब जो खांड बोलते हैं और गुड़ बोलते हैं, तो वो भी हमें कहाँ से मिलती है, तो प्लांट से मिलती है। यहाँ पर है अलग अलग वैरायटी की क्या है, वेजिटेबल्स से, तो जिसमें क्या है कैप्सिकम हो गया, लौकी हो गया, ककड़ी हो गया, करेले हो गए, फिर रिंगन बैंगन हो गया, ब्रोकली हो गई, तो ये भी हमें कहाँ से मिलती है, तो वनस्पति से मिलती है। और ऑयल, ऑयल में मैंने बोला कि कपास के बीज है उसमें से भी कपासिया तेल मिलता है, जैसे मूंगफली है उसमें से सिंग तेल मिलता है, सनफ्लावर से सनफ्लावर ऑयल मिलता है, राइस से राइस ब्रान ऑयल मिलता है, तो ये क्या है ऑयल की वैरायटी है, तो ऑयल भी हमें कहाँ से मिलती है, वनस्पति से मिलती है। और लास्ट में हो गया बेवरेजेस में टी और कॉफ़ी, यदि आप ग्रीन टी भी पीते हो या नॉर्मल टी भी पीते हो, तो उसकी जो लीफ है वो हमें प्लांट से मिलती है। और होती है कॉफ़ी, कॉफ़ी के आपको बीज दिखाई देते हैं, बीज होते हैं, आपने कई बार एडवर्टाइज में देखा होगा कि कॉफ़ीज़ के जो बीज होते हैं वो दिखाते हैं, तो वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, वनस्पति से मिलते हैं। और अब हो गया एनिमल प्रोडक्ट, हमने देखा कि सोर्स ऑफ फूड, तो उसमें एनिमल के बारे में भी पढ़ा था, तो एनिमल से हम क्या क्या चीज़ लेते हैं, तो पहली मैंने बोला है मिल्क, तो दूध तो हम सब पीते हैं, या तो नॉर्मली दूध पीते हैं बॉर्नविटा डाल के पीते हैं, या फिर चाय के स्वरूप में पीते हैं, तो हर चीज़ में दूध का तो उपयोग होता ही होता है। फिर क्या होता है दूध की प्रोडक्ट, दूध की जो निपज बोलते हैं मिल्क प्रोडक्ट, मतलब ऐसी सारी चीज़ें जो हम कहाँ से बनाते हैं और किस में से बनाते हैं, मिल्क में से बनाते हैं, तो वैसी क्या होगी मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट में क्या आता है, जैसे दूध में से बनी छाछ, दूध में से बना दही, दूध में से बना पनीर, दूध में से बना बटर, दूध में से बने पेड़े, जो आप डेयरी पे जाओगे और आप मोस्टली देखोगे डेयरी प्रोडक्ट मोस्टली क्या रहती है, दूध से बनती है, तो ऐसी सारी प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं मिल्क प्रोडक्ट। तो हम मिल्क प्रोडक्ट का भी उपयोग करते हैं, तो ये जो मिल्क प्रोडक्ट है और मिल्क है वो हम कहाँ से लेते हैं, तो एनिमल से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं एनिमल से। तीसरा है एगिटेरियन, मतलब जो एग का उपयोग करते हैं, तो मुर्गी से एग हमें मिलता है, तो उसका भी हम खुराक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बाकी क्या है, तो मटन हो गया, चिकन हो गया, और क्या है बीफ, तो ये सारी क्या है एनिमल प्रोडक्ट है। और दूसरी कई एनिमल प्रोडक्ट होती है, जैसे दरियाई जीव को भी काट के खाते हैं, झींगे हो गए, मछली हो गई, तो उसका भी हम क्या करते हैं खुराक के स्वरूप में उपयोग करते हैं। प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो लास्ट दो स्लाइड में हमने क्या देखा है कि हमने प्लांट्स का सारी इमेजेस देखी और प्लांट हमें कैसे मदद करते हैं वो देखा है। तो चलो फिर से एक बार देखते हैं, छोटी सी एक रिकैप हो जाए। तो प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट्स तो क्या है, वनस्पति कोई खाना नहीं खाती है, मतलब वनस्पति के पास हमारी तरह मुंह नहीं है कि वो मुंह खोल के डालेगी, पर वनस्पति अपना खुराक खुद बनाती है। वो क्या है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करती है, क्या करती है प्रोड्यूस करती है, उसको क्या बोलेंगे प्रोड्यूसर। तो वनस्पति क्या है, प्रोड्यूसर है, वो अपना खाना खुद बनाती है, वो स्वयंजीवी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, स्वयंजीवी मतलब खुद के द्वारा खुद के लिए खुराक का निर्माण करती है, क्लियर। द एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर बाय प्लांट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब जैसे कोई वनस्पति है, चलो देखते हैं वो क्या करती है, उसके जो लीफ होते हैं पर्ण होते हैं, तो ये पर्ण की मदद से, पर्ण के अंदर क्या आता है, तो फोटोसिंथेसिस कर सके ऐसे मटेरियल आते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सके ऐसे मटेरियल आते हैं, यहाँ पर पर्ण में, तो प्रकाश की मदद से वो क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना खुराक का निर्माण खुद करेगी। अब उसको जितना जरूरत है वनस्पति को उतने का उपयोग होगा, और जो बाकी बचा वो कहाँ पर जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, मतलब उसी वनस्पति के
डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या हो जाएगा, संग्रह हो जाएगा, किसका, जो बचा हुआ फूड है उसका। क्लियर? वो रूट में भी जा सकता है, स्टेम में भी जा सकता है, या फ्रूट्स में भी जा सकता है। क्लियर? अब दो वर्ड याद रखने हैं, एडिबल पार्ट और नॉन एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट मतलब वनस्पति का ऐसा भाग जिसको हम खा सकते हैं, जो मनुष्य द्वारा खाया जाता है। क्लियर? उसको बोलते हैं एडिबल पार्ट, खाद्य भाग। एडिबल पार्ट इज इक्वल टू ईटन बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन मानव खा सकते हैं उसको बोलेंगे खाद्य भाग। और नॉन एडिबल पार्ट मतलब अखाद्य भाग, जो ह्यूमन या मनुष्य द्वारा खाया नहीं जाता उसको क्या बोलते हैं, नॉन एडिबल पार्ट। तो डेफिनेशन हो गई, एडिबल पार्ट मतलब वनस्पति का ऐसा भाग जो जो मानव क्या है, मानव क्या करते हैं, खाते हैं, और दूसरे नॉन एडिबल पार्ट जो मनुष्य खाते नहीं है। क्लियर? नॉट स्पाउरूट और सीड विच आर रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। स्पाउरूट तो सबने देखा है, कैसे बनता है स्पाउरूट, मूंग या फिर चने, उसको क्या करना है, गीले कर देने और कॉटन की जो पोटली बना दो और पूरी डाइट रख दो, तो आप दूसरे दिन देखोगे, दूसरे दिन देखोगे तो उसमें क्या होता है, जर्मिनेशन हो जाता है, एक फणगा फूटता है, तो ये जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पाउरूट। आप हमारी भाषा में बोलते हैं फणगा वेला मग, फणगा वेला चना। क्लियर? फणगा वेला मग, फणगा वेला चना। तम आपको कहाँ दिखने को मिल जाएगा ये, तो अभी देखो हमारे यहाँ रथ यात्रा का जो फेस्टिवल आता है उसमें कभी आप दर्शन करने गए, भगवान के दर्शन करने गए, तो बहुत सारे स्टॉल रहते हैं, उस स्टॉल में आप देखोगे कि आपको जो स्पाउरूट के स्पाउरूट मिलते हैं, स्पाउरूट मतलब मूंग मिलते हैं, जर्मिनेट किए हुए या अंकुरित किए हुए क्या मिलते हैं आपको, मूंग मिलते हैं। तो ये जो स्पाउरूट बनते कैसे है, तो क्या करना है हमें कि जो मूंग का है या चने का है, किसी का भी स्पाउरूट बनाना है, उसको क्या करना है, पानी में भिगोना है और उसकी पोटली बना देनी है, और उसको क्या करना है, ओवरनाइट रख देनी है। तो आप दूसरे दिन देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो मूंग के या चने के जो दाने हैं उस वो क्या होता है, अंकुरित हो जाते हैं, उसमें से क्या क्या हो जाता है, एक आप देखोगे कि वाइट कलर का एक फणगा जैसा निकल जाता है। क्लियर? तो उसको क्या बोलते हैं, स्पाउरूट। आप स्पाउरूट को खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि प्रोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सोर्स है ये, और इसको आप और ज़्यादा टेस्टी करने के लिए स्पाउरूट के अंदर आप मसाला डाल दिया, जैसे नमक डाल दिया, चिली मिर्च डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दिए और थोड़ा नींबू निचोड़ दिया, तो ये सारा मिक्स करके भी आप स्पाउरूट को खा सकते हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आप घर पे खुद स्प्राउट बनाए। क्लियर? आप चने का भी बना सकते हो, मूंग का भी बना सकते हो, जैसा आपका टेस्ट और जो आपको पसंद है। आप मसाला डाल भी सकते हो, मसाला नहीं भी डाल सकते हो, ऐसे भी खा सकते हैं। प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड, तो ये स्लाइड हमने पूरी करी है, मतलब कि प्लांट्स कैसे स्रोत है, किस चीज़ का, खुराक का, तो आप सबको पता चल गया होगा। तो हम यहाँ तक जो लेक्चर वन है वो रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इसका पार्ट टू देखने वाला है।